यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं प्रकाश ललित और आज बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने वित्त मंत्री रहते हुए इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया कल। और जैसा कि हर बार होता है, बजट पेश होने के साथ ही बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सरोकारों के साथ लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल हैं, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नाराज़ जो वर्ग है वो मिडिल क्लास का वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय फैमिलीज़, मध्यम वर्ग का वो आदमी, आम आदमी जो पूरे दिन काम करता है और फिर थोड़ी सी उम्मीद जब बजट होती है तो उसको सरकार से होती है कि उसको कुछ रियायतें मिलेंगी। लेकिन कल जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना पिटारा खोला, उसमें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए उसमें कुछ नहीं था। टैक्स स्लैब जो 2017-18 के बजट में था वही आगे कंटिन्यू होगा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिला है, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, बहुत कम है, उम्मीदों से बहुत कम है। जो कुछ उम्मीद इस सरकार से लोगों के मन में थी या मिडिल क्लास के मन में होगा या दिल में, एक नौकरी पेशा व्यक्ति जो टैक्स को लेकर तरह तरह के समस्याओं से जूझता है, उसको लगा होगा कि शायद कुछ और रियायतें वित्त मंत्री से उम्मीदें थी जो उसको नहीं मिली। और ये बिल्कुल जायज़ बात है उस क्लास का, उस वर्ग का नाराज़ होना। दूसरा, इस पूरे बजट में जो कुछ संसद में कल लोकसभा में वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा, वो उसमें बहुत कुछ जो था वो महिलाओं के लिए था और गांवों के लिए और किसानों पर सौगातों की बौछार थी। तो इस कदर से कहें कि ये पूरा का पूरा बजट जो कल वित्त मंत्री ने जो भाषण दिया, 2018-19 का वित्तीय बजट, आम बजट, उस पर पूरा फोकस सरकार का किसान और महिलाओं के ऊपर था, जो वित्त मंत्री कल सदन में कह रहे थे, उससे ऐसा ही प्रतीत होता है। ये चीज़ें ज़मीन पर कितना आएंगी, ये समय के साथ लोगों के सामने आएगा। लेकिन कल जो कुछ बजट में था, हम उसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं, मुझे लगता है कल के बजट भाषण में जो गेम चेंजिंग चीज़ थी वो हेल्थ मिशन। अगर ये हेल्थ स्कीम जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, ये सफल होता है, ये ज़मीनी रूप पे काम करने लगता है, तो ये बिल्कुल हिंदुस्तान के हेल्थ सेक्टर के लिए एक बिल्कुल चेंजिंग चीज़ होगी, एक क्रांतिकारी कदम होगा सरकार का, जो कि काफ़ी कल जब ये घोषणा हुई, बार बार वित्त मंत्री कह रहे थे, मैडम स्पीकर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जब ये घोषणा हुई तो उसके बाद से लगने लगा कि सरकार शायद इस देश में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर होने वाली है। लेकिन इस योजना के साथ ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल आने लगे। जैसे ही वित्त मंत्री ने कहा कि 10 करोड़ परिवारों को हम इस हेल्थ स्कीम से जोड़ने जा रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, पर ईयर 5 लाख का कवर देने की जैसे बात हुई, उसके बाद से तमाम सोशल साइट्स पे और अलग अलग चैनल्स पे भी हमने देखा कि लोग अलग अलग तरीके से इसको बता रहे हैं कि 2000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, इतने लोग हैं तो सरकार कैसे करेगी। दरअसल सरकार 5 लाख रुपये देने की बात नहीं कर रही है कि आपको इलाज के बदले में 5 लाख रुपये मिलेंगे। सरकार दरअसल ये 5 लाख का कवर बीमा पॉलिसी के तहत, इंश्योरेंस कंपनी के तहत होगी, सरकार केवल आपका प्रीमियम देगी। और ऐसा भी नहीं है कि जिन 50 करोड़ लोगों को इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाएगा, वो 50 के 50 करोड़ लोग हर साल बीमार हो जाते हैं और उनको 5 के 5 लाख रुपए का कवर, मतलब उस 5 लाख रुपए की जरूरत भी पड़ जाएगी। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, हेल्थ स्कीम होता इसलिए कि ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको आवश्यकता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने एक ऐसी स्कीम आपके गरीबों के सामने रखी है जो बड़ी बीमारियों से लेकर छोटी बीमारियों उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। बेसिकली ये उस प्रचलन को आगे बढ़ाना है, कैशलेस हेल्थ के लिए, जो कैशलेस ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, और इसमें सरकारी अस्पतालों के साथ साथ सारे प्राइवेट अस्पताल भी जुड़े होंगे। तो इसको ऐसे मत लीजिए कि आपको आपके इलाज के बदले 5 लाख रुपए मिलेंगे, सरकार केवल प्रीमियम देगी और इसको इसका फ़ायदा गरीबों को ज़रूर मिलेगा, जैसा वित्त मंत्री ने कल कहा, हम वैसा ही होने की उम्मीद करते हैं। दूसरा, जो कुछ मुझे उस बजट में लगा वो किसानों को लेकर जो कुछ बात कही गई, जैसे रबी की फसलों के लिए MSP अभी तक तय थी, लेकिन अब खरीफ के फसलों पर भी सरकार ने MSP तय किया है। और अच्छी बात यह है कि जो उत्पादन लागत होगा, जो किसान का खर्च होगा, उसका 1.5 गुना सरकार देने
देने की बात कह रही है। ये एक अच्छी बात है जो सरकार ये कह रही है कि एक उत्पादन जो कुछ आपका खर्च है हम उसका डेढ़ गुना देंगे। लेकिन फिर सवाल एक और इसी के साथ है कि उत्पादन लागत क्या हुआ वो कौन तय करेगा? क्या सरकार तय करेगी या सरकार उत्पादन लागत उसको मान लेगी जो किसान कहेगा? इस पर थोड़ा सा संशय की स्थिति है जिसको मुझे लगता है कि वित्त मंत्री को थोड़ा और क्लियर करना चाहिए। खैर, आते हैं दूसरे हिस्से पे जो मुझे ठीक लग रहा है। जैसे ग्रामीण बाजारों की बात कर रही है सरकार की, हम 22,000 हाट विकसित करेंगे। ग्रामीण हाट जिसको कहा है वो ग्रामीण बाजारों का छोटा सा स्वरूप है, जो हमारे आपके गांव में जो बाजार होते हैं उसको विकसित करने की बात कही है। ये एक अच्छी बात है कि किसान की जो फसल होगी वो सीधे कस्टमर तक जा सकती है उस बाजार के माध्यम से, अगर उस तरह के मार्केट्स की व्यवस्था गांव में हो जाए तो। ये एक अच्छी पहल है सरकार की। दूसरा मुझे जो लगता है कि जो महिलाओं को लेकर बात की गई है, जैसे 8 करोड़ गैस कनेक्शंस देने की बात कह रहे हैं, इस साल 3 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन, महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलेगा, 3 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मिलेगा। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि जिस भी परिवार में गैस कनेक्शन जाएगा, जरूरतमंद परिवार में, उसको लेकर एक अच्छी छवि सरकार को लेकर एक अच्छी छवि उस परिवार में और उस महिला के मन में ज़रूर होगी कि जहां वो लकड़ी का इस्तेमाल करती है, लकड़ी बिनती है, जंगलों तक जाना पड़ता हो, एक सरकार है जो उसका ध्यान रखती है कि उसको गैस मिलना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है और इसका फ़ायदा भी सरकार को ने खूब उठाया यूपी चुनाव में लेकर। चुनाव में जो कुछ हुआ, यूपी चुनाव के रिजल्ट्स आपको बताते हैं कि सरकार ने उज्ज्वला स्कीम का कितना फायदा उठाया। जैसे 4 करोड़ लोगों को बिजली देने की बात है, मुफ्त बिजली कनेक्शंस देने की बात है, तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे बजट में। वैसे ही नौकरी पेशा महिलाओं के लिए जो कल वित्त मंत्री कह रहे थे कि शुरुआती 3 साल में पीएफ में कटने वाला जो पैसा होगा उसका केवल 8% उस सैलरी में से, महिला के सैलरी में से 8% ही डिडक्ट होगा शुरुआती 3 साल, सरकार की एक अच्छी पहल। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सवाल खड़ी करती हैं, जो जैसे मिडिल क्लास को शायद और रियायत दे सकते थे वित्त मंत्री, उन्होंने उस बात पे मौन रखा या ऐसा क्यों नहीं किया, ये वो बेहतर जानते होंगे। दूसरा मुझे लगता है कि सरकार ने इस चुनाव से, जैसे कुछ चीज़ें सवालों के घेरे में हैं, वो ये कि जैसे टैक्स स्लैब को लेकर थोड़ा सा बदलाव शायद वित्त मंत्री चाहते तो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मुझे ये लगता है कि इस ये बजट जो है ये बिल्कुल चुनाव में, चूंकि ये आखिरी बजट था इस सरकार का, और इस चुनाव, इस बजट में जरूर चुनाव का ध्यान जरूर रखा गया है। एक चीज जो मेरे गले नहीं उतर रही है कल से, जब से ये बजट पेश हुआ है तब से, कि आम तौर पे भाजपा पे, इस सरकार पे, जो केंद्रीय मौजूदा सरकार है उस पर ये आरोप लगता रहा है या लोग बातें करते रहे हैं कि जो शहर में रहने वाला वर्ग है, जो शहरी वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो बीजेपी, वो नरेंद्र मोदी का पारंपरिक वोटर है, वो हमेशा से भाजपा को और नरेंद्र मोदी को वोट करता आ रहा है लगातार 2014 से राज्यों में भी और 2014 में भी। बावजूद इसके सरकार ने यह रिस्क, या वित्त मंत्री ने यह रिस्क क्यों लिया कि वो अपने इस वोटर वर्ग को नाराज करें, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन फिर इसी बजट का जब दूसरा पक्ष देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल चुनावी बजट है, कि जिस तरह से ये सरकार पिछले 4 सालों में अपने बजट पेश करती रही है, उस उन तीनों चारों बजटों से ये बजट बिल्कुल अलग है। इसमें किसान की बात की गई है, इसमें गांवों की बात की गई है, इसमें जैसे बात की जा रही है कि हर गांव में 5 लाख हॉटस्पॉट देने की बात की गई है, वाईफाई हॉटस्पॉट की बात मैं कर रहा हूँ, महिलाओं की बात की गई है। तो मुझे ये लगता है कि ये जरूर चुनावों को ध्यान में रखकर दिया गया बजट है कि 2019 में सरकार कैसे लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाएगी। दूसरा जो मुझे ये लगता है कि इस बजट में जो बेसिक चोट हुआ है वो कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जो कांग्रेस का पारंपरिक वोटर है, उस वोटर को रिझाने की कोशिश की गई है इस बजट से, कि इस बजट का सारा मैसेज जो है वो गाँवों की तरफ है, वो किसान की तरफ है। लेकिन फिर दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इस बजट से ऐसा रिस्क क्यों लिया गया कि मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय फैमिलीज, शहरी वर्ग को नाराज कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार का ये आखिरी बजट था, वित्त मंत्री साहब का ये आखिरी बजट था,
वो चाहते तो मध्यम वर्गीय परिवार को भी अपना जो मिडिल क्लास का वोटर है, उनका कोर वोटर है, उसको भी खुश करने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन चूंकि ये कोशिश नहीं हुई, इसलिए मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार का जो ये आखिरी बजट है, ये मुझे उनकी एक ईमानदार कोशिश लगती है और शायद अच्छे नीयत से पेश किया गया एक बजट ज़रूर लगता है। कुछ जगहों पर सवाल ज़रूर है, जो सवाल हमारे मन में भी हैं, सबके मन में होगा, उन सब लोगों के में होगा जिनको इस बजट से कुछ भी नहीं मिला। हमारे आपकी जेब में इस बजट से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो सवाल जायज है। लेकिन वहीं जो हम देखेंगे, जो एक नियत के तौर पे देखेंगे कि आमतौर पे होता है कि चुनाव से पहले कुछ भी कोई भी सरकार जो करती है वो अपने लोगों को, अपने कार्डर को, अपने बेस वोट को ध्यान में रखकर करती है। लेकिन यहां चूंकि उस बेस वोटर का ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इस सरकार ने थोड़ी सी ईमानदारी से ये बजट पेश किया है। और ये अच्छी बात है कि भारत जैसे देश में किसान और मजदूर और गांव की बात की जा रही है। हमारे देश में 70% से ज़्यादा लोग किसानी पे, कृषि पे आश्रित हैं। तो अच्छा है कि बजट में इतनी सारी बात किसानों को लेकर कही गई है। धन्यवाद।